नमस्कार दोस्तों, Drupal 7 हिंदी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये सीरीज़ चल रही है Drupal Commerce ट्यूटोरियल की, जिसमें हम लोग ने पिछले वीडियो में कवर किया था कि कैसे हमने अपनी वेबसाइट में मल्टी करेंसी का ऑप्शन शो करें। ठीक है, तो हम लोग ने मल्टी करेंसी ऑप्शन मैनुअल भी किया था कि अगर कोई फील्ड हमें, कोई प्राइस की फील्ड हमें मैनुअल चाहिए तो हमने उसमें मैनुअल भी ऐड किया था। और ऑटोमेटिक अगर हमें कोई करेंसी का कन्वर्जन करना है अपने कन्वर्जन रेट के हिसाब से, तो वो भी हमने किया था। तीसरा हमने किया था यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स के थ्रू ऑटोमेटिक नेट के थ्रू जो कन्वर्जन रेट है उसके थ्रू किया था। दोस्तों, एक चीज़ हमारी पिछले वीडियो में छूट गई थी, वो ये चीज़ थी कि जब हम लोग यहाँ जब चेंज कर रहे थे तो यहाँ पर जो प्राइस जो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट के, ये नहीं चेंज हो रहा था। उसका रीज़न ये था कि जब हम लोग एडिट करेंगे व्यू पे, ठीक है, तो यहाँ पर एक फील्ड है प्राइस की, ठीक है, ये प्राइस की फील्ड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्प्ले द ओरिजिनल प्राइस एज लोडेड, ठीक है, तो ये सिलेक्ट था। तो हमको यहाँ पर ये करना है कि डिस्प्ले द कैलकुलेटेड सेल प्राइस, ठीक, फॉर द यूज़र, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जब भी हम कन्वर्जन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लोग GBP सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए पूरे प्रोडक्ट में GBP आ रहा है, ठीक है। और हम लोग करते हैं अगर USD, तो ये देखिए पूरा चेंज हो गया, USD सब जगह USD आ गया, ठीक है। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा रहेगा शिपिंग, ठीक है, कि कैसे अपने वेबसाइट में हम लोग कॉमर्स शिपिंग ऐड करें, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है कॉमर्स शिपिंग, उसको देख लेते हैं, ठीक है। कॉमर्स शिपिंग ये हमारे पास मॉड्यूल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग अपने लोकल में, शिपिंग, ठीक है। शिपिंग हमारा हो गया, अब इसको हम लोग इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया शिपिंग। शिपिंग का ये एक एग्ज़ाम्पल है, इसको हम अभी नहीं करेंगे, ये छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, इसमें कुछ नहीं है। तो शिपिंग और शिपिंग UI, ये दो चीज़ है जो हम जब इनेबल करेंगे तो हमारे जो हमारा कॉमर्स स्टोर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेकआउट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ शिपिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमारा एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया शिपिंग का, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और शिपिंग सर्विस, ठीक है। तो अब जब हम लोग अपने चेकआउट पे चलेंगे, ये देखिए यहाँ पर शिपिंग का इन्फॉर्मेशन आ गया, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना शिपिंग का डिटेल भरेंगे, ठीक है, और बाकी सब सेम वैसा ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर शिपिंग हो गया, अब हम बात करेंगे, अब हम लोग चलते हैं स्टोर पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है, और शिपिंग पे। तो यहाँ पर अभी हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा कि हम यहाँ पर शिपिंग जो हमारा चार्ज होता है, शिपिंग चार्ज होता है, वो जो रेट होते हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिपिंग का ये कॉमर्स फ्लैट रेट है, ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने में, ठीक है। यहाँ और भी सब ऑप्शन दे रखे हैं, सब जैसे जैसे शिपिंग सर्विसेज हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग यही एग्जांपल कवर करते हैं, कॉमर्स फ्लैट रेट का कर दिया हमने, ठीक है। अब मॉड्यूल को इनेबल कर लेते हैं,
ट्रेड, ठीक है। इनेबल करने के बाद हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऐड फ्लैट रेट सर्विस का ऑप्शन आ गया। अब जब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तब यहाँ पर हम अपनी जो भी जैसी भी हमें सर्विस लगानी है वो हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग एक ऐड करते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम्पल के लिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग बेस रेट लगाएंगे वो हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर 10, ठीक है। 10 GBP जो हमें डिफ़ॉल्ट करेंसी है उस पर ही लेके चलते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो हमने फ्लैट रेट जो अपनी शिपिंग सर्विस के लिए ऐड किया था वो अब हमने ऐड कर लिया। अब हम लोग चल के देखते हैं कि ये हमारे इस पर वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसको बंद करेंगे और शिपिंग का जो हम लोग पहले चेक करेंगे कि हमारे पास जो शिपिंग सर्विस है वो कहाँ है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट में जाके देखते हैं, टेस्ट मैपिंग कोड, ठीक है, ये नहीं भरने का, सेम टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं तो ये देखिए शिपिंग सर्विस जो फ्लैट रेट, फ्लैट शिपिंग रेट जो हमारा आ गया है वो हमने जो भरा था 10% जो हमने कहाँ भरा था, कॉमर्स में कॉन्फ़िगरेशन में शिपिंग में एडिट, ठीक है, ये जो भरा था हमने यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कन्वर्जन के हिसाब से शो कर रहा है, आपने नोटिस किया होगा कि क्योंकि ये करेंसी जो उसमें है किसमें GBP USD में उसके हिसाब से शो कर रहा है कन्वर्जन। अब जब हम GBP लगाएंगे तो अब जब हम जाएंगे अपने कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप में तो हमें 10 USD दिखाएगा जो कि हमने सेलेक्ट यहाँ बेस प्राइस सेलेक्ट किया था। तो देखिए इसमें इस शिपिंग में भी कन्वर्जन चल रहा है, ठीक है। तो अब जो अब एक ऑप्शन और हम लेके चलते हैं ठीक है। तो शिपिंग सर्विस में जैसे आप एक ऑप्शन और कर सकते हैं कि जैसे अभी आपका जो ऑर्डर है वो $150 यानी कि $150 से ऊपर है तो आपकी जो शिपिंग सर्विस वो फ्री हो जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, तो ठीक है। तो उसके लिए भी आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके शिपिंग सर्विस में एक यहाँ रूल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उससे पहले आपको यहाँ पर एक फ्लैट रेट ऐड करना पड़ेगा जहाँ पर आप फ्री यहाँ पर लिखेंगे आपकी फ्री ऑर्डर अब 150 या इस टाइप से, और बेस प्राइस आप 0 रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। बेस प्राइस 0 रख के सेव करने के बाद आपको यहाँ पर जब आप सेव करोगे तो यहाँ शिपिंग में आप जाओगे, जब आप इस तरीके से सेव करने के बाद कॉन्फ़िगर में जाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको कंडीशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कंडीशन में आपको बस यही डेटा कंपेयर कराना पड़ेगा कि आपका जो अमाउंट है अगर वो 150 से ऊपर है तब ये भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये आप अपने से ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, इसमें कोई टिपकल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब हम कंडीशन आते हैं जैसे कि अब जैसे ये कंडीशन मारेंगे डेटा कंपैरिजन में, ठीक है,
तो डेटा कंपैरिजन में कंडीशन कंपोनेंट, ठीक है, तो वो रूल इसमें फायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फ्री शिपिंग का ऑप्शन है इस तरह से वेबसाइट पे देना है तो आप यूज़ कर सकते हैं कि अमाउंट अगर जैसे कि अमेजोन पे जो होता है कि 500 रुपये या फ्लिपकार्ट 500 रुपये से ज़्यादा होता है तो वो फ्री शिपिंग का ऑप्शन दे देते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं रूल के थ्रू। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं शिपिंग में। अगर आपको ये फ्री शिपिंग वाला आप चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इस पर एक ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।